पश्चिम बंगाल में, कहने को तो लोकतंत्र है, एक महागिला वहां की मुख्यमंत्री है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं उसने बंगाल में पूरे सिस्टम को अब कटघरे में खड़ा कर दिया है। तालिबानी इंसाफ की तस्वीरों पर अब तक ममता बनर्जी की चुप्पी नहीं टूटी है और इसलिए जी न्यूज ने अब फैसला किया है कि ऐसे मजलूम लोगों की आवाज बनना है। आज जी न्यूज बंगाल के तालिबानों को बेनकाब करेगा, जिस महिला के साथ बदसलूकी हुई है उसकी आवाज को बुलंद करेगा। साथ ही जी न्यूज करेगा आश्चर्य वाली उस मानसिकता की पड़ताल जिसके समर्थन में वोट के कथित ठेकेदार अपनी आवाज को बुलंद करते हैं। हम आपको बता दें कि जी न्यूज ना किसी से डरा है और ना किसी के आगे झुकेगा। हमारे साथ खास मेहमान भी होंगे, लेकिन पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। देश में जहां नाइंसाफी वहां की आवाज जी न्यूज, शरिया वाली मानसिकता की पड़ताल जी न्यूज पर, हर मजलूम की आवाज जी न्यूज पर, बंगाल के तालिबान जी न्यूज पर होंगे बेनकाब। दीदी राज में पीड़ित की हर आवाज जी न्यूज उठाएगा। निडर भी लीडर भी जी न्यूज। ये तस्वीरें अफगानिस्तान की नहीं है, ये तस्वीरें तालिबान के राज की नहीं है, ये तस्वीरें ईदी अमीन के देश की नहीं है, तस्वीरें पश्चिम बंगाल की हैं। ये तस्वीर उस राज्य की है जहां के मुख्यमंत्री खुद एक महिला हैं। ये तस्वीरें उस राज्य की हैं जहां के लोग मुख्यमंत्री को दीदी कहते हैं। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आपका सिर शर्म से झुक जाएगा। तस्वीरें फिर से देखिए और इन तस्वीरों में मारने वाले शख्स को देखिए। हाथ में कोड़ा लिए ये कोई मामूली आदमी नहीं है, ये पश्चिम बंगाल में टीएमसी का दबंग है, विधायक का करीबी है। देखने में मुस्टंडे से दिखने वाले इस शख्स के लिए कानून का कोई मतलब नहीं है। पीटने वाले इस गुंडे का नाम तजमुल उर्फ जेसीबी है। आपको जेसीबी के बारे में भी बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लेना जरूरी है कि जेसीबी नाम का ये गुंडा एक महिला और एक युवक को बुरी तरह से क्यों पीट रहा है। उत्तरी दिनाजपुर के लखीपुर गांव में एक महिला और पुरुष के बीच अवैध संबंध का मामला सामने आया। इसकी शिकायत पंचायत में पहुंची, जहां मध्यस्थता को नाम दिया गया इंसाफ सभा। फिर कथित इंसाफ की कमान तजमुल उर्फ जेसीबी ने अपने हाथ में ले ली और भरी सभा में गांव वालों के सामने ही महिला और युवक को जल्लाद की तरह पीटा गया। दोनों के ऊपर कोड़े बरसाए गए। देखिए एक के बाद एक कोड़ों की बरसात की गई और भरी सभा में मौजूद कथित इंसाफ पर तालियां बजाते रहे लोग। पिटाई का ये वीडियो वायरल हुआ तो हंगामा मच गया। वीडियो वायरल होने के बाद ममता सरकार की पुलिस नींद से जागी और तजमुल उर्फ जेसीबी को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन पुलिस की गिरफ्तारी में भी टीएमसी के इस गुंडे की अकड़ कम नहीं हुई। आप इसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, लगता ही नहीं कि इसे अपने किए पर कोई पछतावा है। और अकड़ हो भी क्यों ना, दावा है कि जेसीबी चोपड़ा के स्थानीय विधायक हमीदुल हसन का बेहद करीबी है और इलाके में उसका काफी दबदबा है। जाहिर है अपने गुंडे के बचाव में विधायक भी सामने आए और बेशर्मी से इस पूरे विवाद पर इस्लामिक राष्ट्र का लेबल लगा दिया। আর অন্যায় তো মেয়েটাও করেছে না, নিজের স্বামী নিজের ছেলে মেয়ে বাদ দিয়ে ও দুশ্চরিত্রবান হয়েছে। এখন তো একটা আমাদের মুসলিম কাস্টের সামাজিক আচার বিচার হয়ে থাকে, বিচারটা যেইভাবে হওয়ার কথা ছিল তা না হয়ে বিচারটা বেশি বেশি হয়ে গেছে। এটা নিয়ে আমরাও ওখানকার গ্রামবাসীকে বকাবকি করছি কি হয়, কিন্তু মেয়েটা তো কোনো কমপ্লেন করতে যায়নি, মেয়েটার স্বামী কোনো কমপ্লেন করতে যায়নি, কোনো জবরদস্তি কিছু হয়নি, সমাজকে খারাপ করছিল তার জন্য গ্রাম্য সালিশ বসে একটা করেছে। पहले शेख शाहजहां और अब तजमुल उर्फ जेसीबी। ममता के राज में ना गुंडे नए हैं और ना ही तस्वीरें नई हैं, लेकिन ममता बनर्जी पहले भी इस पर चुप थीं और आज भी खामोश हैं। ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। और कंगारू कोर्ट के नाम पर सड़क पर एक महिला और एक पुरुष की पिटाई करने का वीडियो अब खूब वायरल हुआ और उसके बाद से आरोपी तजमुल हक उर्फ जेसीबी को गिरफ्तार भी कर लिया गया, कोर्ट में पेश भी कर दिया गया। तो वहीं अब विवादों में घिरे एमएलए हमीदुल रहमान ने भी अपने बयान पर सफाई दी है। हमारे साथ तमाम मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद है और साथ ही हमारे साथ हमीदुल रहमान साहब भी जुड़ गए। मैं तारुफ करवा देती हूँ, मेरे साथ प्रियंका टिब्बरवाल हैं जो कि बीजेपी की प्रवक्ता हैं, चंदन घोष हैं कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बादल देवनाथ जी टीएमसी से ताल्लुक रखते हैं, प्रवेश चौधरी साहब वीएचपी के हैं, हाजिर खान साहब
मुस्लिम स्कॉलर हैं और साथ ही टीएमसी के हमीदुल रहमान साहब भी मेरे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत धन्यवाद हमीदुल साहब, आपने जी न्यूज के लिए वक्त निकाला। सवाल मेरा, आप जानते ही है कि क्या होगा, कल आप कुछ कहते हैं, आज आप कुछ कहते हैं, क्या ये जो पूरा प्रकरण हुआ क्या ये सही हुआ? तो सबको हम भी दुख प्रकाश किए हैं, ये तो अनलीगल हुआ, अन्याय हुआ, इसके लिए तो पुलिस कार्रवाई शुरू कर दिया है, उसको पुलिस उठाया अभी। हमीदुल रहमान साहब, आपका ये कहना है कि साहब वहां पे गांव वाले मार डालते उस औरत को, इसलिए जेसीबी ने हल्की फुल्की उसको मार लगाई, मतलब आपकी पुलिस क्या टीएमसी की बिल्कुल नाकाम है कि अब इस तरह के लोकल गुंडों को जाकर किसी महिला की जान बचानी होगी क्योंकि डर है उसको उसकी के गाँव के लोगों से? इस बात को कैसे है? ये पच नहीं रही है बात। वो तो उसका हस्बैंड सुधा उलोग बैठा था। आपकी आवाज थोड़ा सा ऊंचा बोलिए सर, थोड़ा सा ऊंचा बोलिए। पुलिस खबर जब पाया तो घटना उल्टी बेला में हम लोग खबर मिला, तो लोग उसका हस्बैंड उसका घर में बैठा था, तो इसके लिए पुलिस को तो कोई कंप्लेन नहीं किया था उस टाइम में। पुलिस को जैसे कंप्लेन हुआ, पुलिस जाके तुरंत उसको अरेस्ट किया। हमीदुल साहब, जितनी देर में पुलिस को कंप्लेन नहीं हुआ, जेसीबी वहां पर पहुंच गए मारपिटाई करने के लिए, उतनी देर में तो पुलिस को भी कंप्लेन कर सकता था ये जेसीबी, अगर ये इतना ही खैर हुआ था उस महिला का, तो सवाल तो पूछे जाएंगे सर, इसीलिए मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं। उस टाइम में तो बॉर्डर एरिया है, उस टाइम में कोई ध्यान नहीं दिया, वहां का कोई आदमी अगर चलाकी करके पुलिस को फोन कर देता तो ये नौबत नहीं होता। और क्या हाजीपुर साहब ऐसा नहीं लग रहा है? हम भी बोलेंगे ये बात के। बोलिए। नहीं, अपनी बात पूरी कीजिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए। ना हमारा हो गया, बोलिए ना। हाजीपुर साहब, मेरा कहना यही है कि देखिए, आप इस्लामिक देशों से इस की तुलना कर रहे हैं इस पूरे कांड की। इस्लामिक देश नहीं, सुनिए, इसमें आप लोग का गलत है। इस्लामी देश इस्लामी राष्ट्र नहीं बोले हम, क्या बच्चा है ये राष्ट्र की इस्लामी है, मोहम्मद शरीफ है वहां पर, वो लोग इस्लामी धर्म से लोकल वो लोग का गार्जियन सब बैठा था, और आप लोग टांग के जाते हैं इस्लामी राज्य, इस्लामी राज्य है क्या? इस्लामी कास्ट का हिसाब से वो लोग बिचार ठो बैठाया था, कास्ट का हिसाब से आप लोग राष्ट्र बोलते हैं। नहीं, हम कुछ नहीं बोल रहे, हमें तो जो खबर दिख रही है, जो बयान आप दे रहे हैं वही हम जनता तक पहुंचा रहे हैं। मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या बीजेपी इस पूरे मुद्दे को उठा रही है, इसलिए ये गलत साबित हो रहा है, या ये गलती आप ही की तरफ से हो गई है, टीएमसी की तरफ से हो गई है, आपकी कानून व्यवस्था को लेकर जो सवाल पूछे जा रहे हैं ये सवाल बिल्कुल वैलिड है? ये कानून व्यवस्था का भी गलत नहीं है, टीएमसी का भी गलत नहीं है। चोर बेईमान कहीं पर बेईमानी करता है, उसको सुधारने के लिए हम लोग भी टीएमसी भी कोई पक्षपाती नहीं के, हम लोग भी उसको पुलिस को बोले जहाँ पाए अरेस्ट करे, पुलिस अपना कार्रवाई किया, हम लोग भी इसको धिक्कार निंदा जलाते हैं, ये सब कांड होना नहीं चाहिए। ठीक है, हिजबुल साहब बने रहिए आप मेरे साथ। प्रियंका टिबरवाल है, प्रियंका टिबरवाल, ना टीएमसी की दिक्कत है, ना कानून व्यवस्था की दिक्कत है, ना ममता बनर्जी की कोई दिक्कत है, ये आप हैं जो बेवजह एक मुद्दे को तिल का तार बना रही हैं। इनका जो सेंटेंस था, पहले तो इनके सेंटेंस सुनिए, औरतों के प्रति जो है इनकी जो रेस्पेक्ट है पहले उसको देखिए। इन्होंने क्या कहा, समाज को खराब कर रही थी वो औरत, दुष्चरित्र थी, इसीलिए उसको उसकी सजा मिली। ये कौन होते हैं सजा देने वाले, आप बताइए, कौन से संविधान में ये लिखा है आपने सुन लिया प्रियंका टिबरवाल को, जवाब दीजिए। कोई गांव में कोई कांड हो गया, उसका हस्बैंड था, उसका ससुर था, वो लोग बैठा था अपना घर में, जब सुना जब मैटर टू चाउर हुआ, पुलिस को खबर हुआ, पुलिस गया उसको अरेस्ट किया, हम लोग का पास खबर आया, हम लोग भी बोलो कोई भी हो जाए उसको अरेस्ट करे, यहाँ पर टीएमसी का कोई जरूरत नहीं है, पुलिस का भी कोई गलती नहीं है, पुलिस खबर पाने का तुरंत अरेस्ट किया, टीएमसी पार्टी का तो सबको ही है भाई। ठीक है, लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि जेसीबी आपका आदमी और अब आप उसका बचाव कर रहे हैं, सीधा सवाल पूछ रही हूँ सर, कोई घुमा फिरा नहीं हूँ, सीधा जवाब आपसे चाहती हूँ। कौन बचाव कर रहा है, हम लोग पुलिस को नाकी है अरेस्ट करने के लिए, उसको पकड़ के लेके गया, कोई पर्या भी करने गया है, हम लोग जो अन्याय है उसको सजा मिलना चाहिए।
अरे अरे हमीदुर रहमान साहब, आप मुस्लिम राष्ट्र का जिक्र करते हैं और ये आपको एक मामूली पिटाई लग रही है? किस बेरहमी से? सुनिए ना, यही आप लोग गलत बोलते हैं। मुस्लिम राष्ट्र के बारे में हम क्या अंधा है जो राष्ट्र का मुस्लिम राष्ट्र बोलेंगे? मुस्लिम शरियत हिसाब से बैठा था वो लोग, उसका हस्बैंड। आप लोग मुस्लिम राष्ट्र करके एक तरफ खाए जाते हैं। मुस्लिम कास्ट का शरियत हिसाब से वो लोग बैठा था, अपना घर में बैठा था। तो हमीदुर रहमान साहब, मेरा सवाल आपसे एक बार फिर वही है कि क्या ये घटना आपको मामूली लग रही है? इतना बड़ा एक महिला की पिटाई हो जाती है सरेआम, आप समझ रहे हैं? एक बेइज्जती, एक जलालत, और उसके बाद आपकी तरफ से उस व्यक्ति का बचाव करना जिसने मार पिटाई करी है कि साहब गांव के लोग उसको मार देते, इसलिए उसने बचाने के लिए कम पिटाई करी है। कम पिटाई और ज्यादा पिटाई क्या मतलब? क्या मतलब है ज्यादा पिटाई? कम पिटाई नहीं, हम नहीं हुआ है। हम बोले थे लड़की जो भी और नहीं क्या है, उसका हस्बैंड का घर में बैठा था। कोई सालसी सभा, कोई मेंबर, कोई पंचायत में नहीं बैठा था, उसका हस्बैंड का घर में था। पर आप शरिया का जिक्र क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? शरिया कानून की क्या इस जिक्र की क्या जरूरत पड़ गई आपको? क्या चलिए कानून के समझ नहीं आप? हेलो, ये मुस्लिम राष्ट्र पे चलिए, आपने सफाई अपनी दे दी। और अब मैं प्रियंका टिबरवाल का रुख करूंगी। प्रियंका टिबरवाल, आपने सुन लिया है हमीदुल रहमान साहब को, आपने सुन लिया है, क्या कहेंगी आप? वो कह रहे हैं कि आप अननेसेसरी तिल का ताड़ बना रही हैं। तिल का तार तो ऐसा है, मैं आपको बताऊं, पिछले सिर्फ एक हफ्ते का डेटा मैं आपको बता रही हूं कि लास्ट वन वीक में 12 से ज्यादा केसेस जो है वो मॉब वायलेंस के पश्चिम बंगाल में रजिस्टर हुए हैं। मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा हुआ है, बल्कि ये कह रही हूं कि यहां की पुलिस ने 12 से ज्यादा मॉब वायलेंस के केसेस एक हफ्ता में रजिस्टर किए हैं। ठीक है, नॉर्थ दिनाजपुर में आपने देख ही लिया ये क्या हुआ था। ऐसा ही एक केस जो है वो झाड़ग्राम में हुआ, जहां सौरभ साहू को जान से मार दिया गया। 30 जून हुगली में आशीष बाउलदास को जान से मार दिया गया, उसके बावजूद 29 जून को कलकत्ता में ठीक है, ठीक है। प्रियंका टिबरवाल, जवाब दीजिए हमीदुल रहमान साहब, ये जो मॉब लिंचिंग के पूरे मामले हो रहे हैं, ये जो भीड़ घेर कर किसी एक व्यक्ति को पीट दे रही है, ये जो कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, और ये दिनाजपुर का उदाहरण दे के ही बीजेपी की प्रवक्ता कह रही है, जवाब दीजिए। कानून व्यवस्था के बारे में सरकार है, वो लोग स्टेटमेंट देंगे, वो लोग से पूछिए। हमारा यहाँ पर पीसफुली है, कोई कुछ नहीं है। जो घटना हो गया ये निंदनीय व्यापार है, इसके लिए पुलिस पूरा कार्रवाई कर रहा है और कार्रवाई चल रहा है। कानून व्यवस्था का बारे में हम लोग का राज्य सरकार बोलेगा, उन लोग से बोलिए। ठीक है हमीदुल रहमान साहब, आपने एक बड़ी, अभी जब मुझसे आप चर्चा कर रहे हैं तो आपने मुझे ये कहा कि साहब महिला ने गलत किया, तो क्या इस देश में अब कानून की जरूरत नहीं है, या आपको अपने पश्चिम बंगाल के कानून पर भरोसा नहीं है कि भीड़तंत्र जो है वो अपने आय करेगा? अरे भाई, अब सुनिए, आपको उसका अपना मियां बीबी को कोई डांटे तो उसको क्या बोलेंगे? कानून व्यवस्था का पर भरोसा नहीं होने से एक सेकंड में, आधा घंटा के अंदर में आसामी को कैसे अरेस्ट किया? कानून व्यवस्था का पर 100% भरोसा है सबका, बंगाल का सबका भरोसा है। कहा तो ये जा रहा है कि इस बार जो लोकसभा में आपकी शानदार जीत हुई है और इसीलिए ये तुष्टीकरण की राजनीति आपकी तरफ से बढ़ रही है, और इसीलिए ये भी आपके अंदर हौसला आ गया है कि आप शरिया कानून को या इस्लामिक देश का नाम लेकर इस तरीके के बयान दे रहे हैं, तब जब एक महिला की सरेआम बर्बरता के साथ पिटाई होती है। अभी भी आप इस्लामिक देश बोलते हैं, आप लोग से आपने बोला है सर, भले ही आप बदल गए अब अपने बयान नहीं में, सर, पर कल आपने बोला, हम बोले मुस्लिम, हम सुनिए हमारा बात, हम बोले मुस्लिम कास्ट, मुस्लिम शरिया। आप मुस्लिम शरिया बोल रहे हैं, आपने इस्लामी देशों का जिक्र नहीं किया है? नहीं, ये इस्लामी देश है क्या जो हम बोलेंगे? हम क्या बुद्धू हो गया? आप लोग एक तरफ बना के लेके जा रहे हैं, तो ये तो आप जानते ही हैं और मानते भी होंगे कि भारत जो है वो एक सेक्युलर नेशन है, ना इस्लामी देश है, ना हिंदू राष्ट्र है, कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा। हाँ, तो फिर हम काहे बोलेंगे जो इस्लामी राज है? ये तो आप लोग को भी समझना होगा ना, कोई रिपोर्टर, कोई मीडिया आप लोग को बड़ा चढ़ा करके बोल दिया था, आप लोग को भी समझना होगा। आरोप आपने उल्टा मीडिया के ऊपर लगा दिया, कानून व्यवस्था में जवाब आपको देना है। आप क्या इस तरीके से भीड़ काम कर रही है? कानूनी व्यवस्था का जो जवाब
कानूनी व्यवस्था का जो जवाब था, जवाब चल रहा है, जवाब किया है कानून का हिसाब से, और जवाब होगा कानून का हिसाब से। जेसीबी कोई रिहाई नहीं पाएगा। जेसीबी आपका आदमी नहीं है सर? जेसीबी हमारा तो चोपड़ा का सब आदमी हमारा आदमी है। आपका आदमी नहीं है? अरे चोपड़ा का तो सब कोई हमारा आदमी है भाई। ये ठीक है सर। जेसीबी कोई मेंबर है? चलिए आपको एक बार, अब आप मुझ पे इतना नाराज हो रहे हैं तो मैं आपको आप ही का बयान एक बार सुनवाना चाहती हूँ। सुनिए जो आपने बयान दिया था कल। অন্যায় তো মেয়েটাও করেছে না, নিজের স্বামী নিজের ছেলে মেয়ে বাদ দিয়ে ও দুশ্চরিত্রবান হয়েছে। এখন তো একটা আমাদের মুসলিম কাস্টের সামাজিক আচার বিচার হয়ে থাকে, বিচারটা যেইভাবে হওয়ার কথা ছিল তা না হয়ে বিচারটা বেশি বেশি হয়ে গেছে। এটা নিয়ে আমরাও ওখানকার গ্রামবাসীকে বকাবকি করছি কি হয়, কিন্তু মেয়েটা তো কোনো কমপ্লেন করতে যায়নি, মেয়েটার স্বামী কোনো কমপ্লেন করতে যায়নি, কোনো জবরদস্তি কিছু হয়নি, সমাজকে খারাপ করছিল তার জন্য গ্রাম্য সালিশ বসে একটা করেছে। हमीदुल रहमान साहब, आपसे मैं अब ये जानना चाहती हूँ कि बंगाल की कानून व्यवस्था को लेकर हमेशा सवाल उठते रहते हैं, खासतौर पर दिनाजपुर में जिस तरीके की घटना हुई है, क्या जवाब है आपका? क्या बंगाल में सच में जंगल राज है, कानून व्यवस्था खत्म हो गई है वहां पर, जैसा कि आरोप बीजेपी आपके ऊपर लगा रही है? बंगाल में कोई जंगल राज नहीं है। बंगाल ठीक प्रशासन में चल रहा है, कोई बुरी बिल्टी होगा तो निश्चय देखेगा। कहा तो ये जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि क्योंकि लोकसभा में आपकी अच्छी सीटें आ गई हैं, इसलिए आप मुसलमानों के हक में बात कर मुसलमानों के साथ खड़े होकर उस वोट को एकदम पक्का करना चाहते हैं। नहीं जी, ये तो गलत बात है। ठीक है, अब एक बार चंदन घोष जो कि कांग्रेस के नेता है उनका रुख कर लेती हूँ। आप बने रहिए हमारे साथ हमीदुल रहमान साहब। चंदन घोष साहब, आपने सुन लिया बीजेपी के प्रवक्ता को भी और हमीदुल रहमान साहब को भी, उनका कहना है कि साहब कोई कानून व्यवस्था खराब नहीं है, हम कोई तुष्टीकरण नहीं कर रहे हैं। देखिए एक बात तो सही है, बंगाल में जो जंगल राज चल रहे ना अभी, ये तो सही है, ये जीतने का बल ये ज्यादा हो गया। ये अब मतलब एमएलए साहब का कॉन्फिडेंस लेवल देखिए, वो अपने जांच कर रहे हैं, अभी क्या बोल रहे हैं, अभी बोल रहे हैं ये, मतलब जितना इसमें पॉलिटिकल बेनिफिट लेना चाहिए, जितना यहाँ पे एक मसल पावर मसल फ्लेक्सी दिखाना चाहिए, सब कर रहे हैं। तो बोलने का ये बात है, ये बंगाल में आज अधीर रंजन चौधरी जी, बंगाल प्रदेश का प्रेसिडेंट, उनका एक स्टेटमेंट देखिएगा, एकदम क्लियरली बोले हम लोग कांग्रेस, बंगाल कांग्रेस इनका खिलाफ है और हम लोग चाहते हैं इसका जल्दी से जल्दी इसका गिरफ्तार किया जाए, और जो एक को तो गिरफ्तार किया लेकिन इनको ज्यादा से ज्यादा ये यहाँ पे एक एक एक, एक कानून व्यवस्था का एस्टैब्लिश किया जाए। और अभी अभी चीफ मिनिस्टर को स्टेटमेंट करना चाहिए क्या चाहती है। ठीक है, ठीक है, आऊंगी आपके पास। हाजिक साहब, मेरे साथ मुस्लिम स्कॉलर है, ये जो बयान नेताओं के द्वारा दिया जा रहा है, ये देश शरिया कानून से चलेगा कि संविधान से चलेगा? देखिए शोभना जी, और ये जो घटना हुई है इसके ऊपर प्रकाश डालते हुए बोलिएगा। देखिए मैं ये कहूंगा कि हमारा देश संविधान से चलने वाला देश है, ना हिंदू राष्ट्र ना मुस्लिम राष्ट्र, यहाँ पंचायतें भी होती हैं, इस तरह के भी मामले होते हैं जो कानून और संविधान के खिलाफ है। एक महिला अगर मेरी बहन के साथ, मेरी बेटी के साथ, मेरी बीवी के साथ कोई इस तरह कर दे, वो तकलीफ हर इंसान को महसूस होना चाहिए। अगर मानवता रखता है, राष्ट्र से मोहब्बत करता है, हमारे देश में ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। राजनीति हो रही है, ये मामला एकदम सीधा साधा है इस देश में, पति पत्नी के बीच का मामला था। भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकार है, हिंदुस्तान में और पार्टियों की सरकार है, 3000 अपराध पर डे होते हैं जिसमें महिलाओं के साथ भी कत्ल भी बलात्कार भी सारे होते हैं। हमारे देश के लोगों को, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, किसी और मजहब के मानने वाले हो, हमारे देश के संविधान के अहतवार ऐसे लोगों के खिलाफ जो सरेआम देश के संविधान को तोड़ रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। और एक बात और कह दूं, हमारे मुल्क में इस तरह के हादसे ऐसे हो रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जब जब सरकार आई है हिंदुस्तान में, मुल्क में हादसे पे हादसे होते चले जा रहे हैं कि हादसे इतने ज्यादा हैं वतन में, अपने खून से छपके भी अखबार निकल सकते हैं, और तूने चाहा नहीं हालात बदल सकते हैं, मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते हैं। घटना होती है वो चाहे हिंदू धर्म की महिला के साथ हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म की महिला के साथ हो, और ऐसा नहीं है कि बंगाल में ही होती है, ये पूरे हिंदुस्तान में होती है। इस समय खबर बंगाल से आई है, क्या ये सही है कि हर बात में मुसलमानों को घेरना शुरू कर दिया जाए या शरिया कानून का जिक्र कर दिया जाए?
नहीं, हमने तो नहीं घेरा, ये जो विधायक साहब बोल रहे थे यही कह रहे हैं। Zee News.